नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगातार दूसरे दिन ओडिशा के बालासोर ट्रेन दुर्घटना स्थल पर चल रहे मरम्मत कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ट्रेन हादसे की वजह के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने मामले की जाँच की है, हादसे के कारण का पता लग गया है, इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान भी कर ली गई है। रेल मंत्री ने खुलासा किया कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव के कारण ये दुर्घटना हुई है। उन्होंने कहा कि कल प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों पर तेजी से काम चल रहा है। कल रात एक ट्रैक काम लगभग पूरा हो गया, आज एक ट्रैक की पूरी मरम्मत करने की कोशिश रहेगी। सभी डिब्बों को हटा दिया गया है, शवों को निकाल लिया गया है, कार्य तेजी से चल रहा है। कोशिश है कि बुधवार की सुबह तक सामान्य रूट चालू हो जाए। रेल मंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मरम्मत कार्य को देखने के लिए दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं। जो इंडिपेंडेंट बॉडी है कमिश्नर रेल सेफ्टी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है। मेरा इस वक्त कमेंट करना ठीक नहीं होगा। लेट दी इंक्वायरी रिपोर्ट कम आउट, बट दी कॉज ऑफ दी एक्सीडेंट हैज बीन आइडेंटिफाइड एंड दी पीपल रिस्पॉन्सिबल हैव बीन आइडेंटिफाइड। सो अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं है। लेट दी एंटायर थिंग बी इन्वेस्टिगेटेड बाई दी प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज। हमारा सारा का सारा फोकस रेस्टोरेशन पे। आपने देखा ये रेलवे ट्रैक, अभी जो एक यहाँ पे चार ट्रैक्स हैं टोटल, दो मेन लाइन है, दो लूप लाइन है। तो ये मेन लाइन का काम कम्प्लीट हुआ है, अभी उसका ओएचई का काम चल रहा है, अभी ट्रैक की टेस्टिंग चल रही है। वो जो गाड़ी है ट्रैक की टेस्टिंग करके आ रही है। दोपहर शाम तक एक ट्रैक कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा ट्रैक लगना चालू हो गया। देख रहे हैं आप यहाँ पे पटरियां बिछ रही है उनकी, और ये सारे के सारे स्लीपर्स बिछे जा चुके हैं, इसका भी आज काम कम्प्लीट होगा। कोशिश जो टारगेट लिया हुआ है बुधवार की सुबह तक कम्प्लीट नॉर्मल सिचुएशन लाने का, उससे सफिशियंटली पहले कम्प्लीट करेंगे। डेफिनेटली इसके ऊपर इतनी तेजी से काम करेंगे, सारे के सारे रिसोर्सेज मोबिलाइज किए गए हैं और आप देख ही रहे हो काम की गति। इस मेन रूट को जल्दी से जल्दी रिस्टोर किया जाएगा। कवच का इससे कोई संबंध नहीं, कल ममता जी आके बोल के गई थी, उनको जितना इस विषय के बारे में जानकारी होगी उसके हिसाब से उन्होंने कहा। ये विषय अलग है, इस विषय में पॉइंट मशीन की बात है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की बात है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई, जिसने भी किया, जिसने भी जो भी इसके कारण है, वो इन्वेस्टिगेशन से निकलेगा। इसका बात जो ममता जी ने कही वो नहीं है पर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही अपील, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना